पश्चिम ओडिशा को संपूर्ण मरुड़ी घोषणा आउ प्रधानमंत्री आवास योजना रे शामिल करने को नहीं आज कौशल स्वाभिमान पदयात्रा आरंभ करा जाई जो नुआपड़ारु सुंदरगढ़ पर्यंत ही पदयात्रा आरंभ करा जाई आपण माने सीधा सलख देखिपारी ये दृश्य जे नुआपड़ारु पदयात्रा रे बाहरी चंती सुंदरगढ़ पर्यंत जिबे कौशल स्वाभिमानी जो माने अछंती आमे सीधा सलख तांको सहित आलोचना करिबा कौन कहिबे कौन आपण मानक दाबी रही काहेकि एही पदयात्रा आरंभ करिछंती। पहला कथा तो कहमि मुई कौशल सेना सुशांत मिश्र कौशल संग्रामी जे आमर पश्चिम ओडिशारे केड़े भी विपद पड़ो केड़े भी आफत पड़ी जो पश्चिम ओडिशा प्रति सबुदिन जेन दिन ओडिशा गठन है एतक दिन वैमातृक मनोभाव कर सरकार आर करूबे तेल इताकर किसी ठिकना न कुकुर लाइन भाया सीधा ना हुए से लगी सबु विषय आंदोलन कला लगला जिते बेले भी केन्सी विषय आंदोलन नहीं कले सरकार कान उकेत ने रंगे बेले इमान मनोभाव जानीगलु न से लगी आम गोटे न कौशल राज्य आड़के मुहचु एवा दिन रे कौशल राज्य लगी जीवन जीवा लड़ई हेबा जुए जलवा से लगी ओडिशा सरकार ही दायी हेबे निश्चित रूपे लड़ई हेबा आंदोलन जारी रहबा काना कहबे काना काना दाबी रही छे जे समस्या के नेकरी बाहरी जन आपण माने अमर तो मुख्य प्रसंग रहला जे एटा अमर द्वितीय पर्याय पदयात्रा है प्रथम पर्याय आमे करितलु कलाहांडी नु बरगढ़ पर्यंत इटा द्वितीय पर्याय नुआपड़ारु सुंदरगढ़ पर्यंत हेबा आमर मुख्य दाबी रहुचे जे प्रधानमंत्री आवास योजना रे पश्चिम ओडिशा तथा केबीके रीजन आदिवासी बहुल अंचल के अवहेला करा जाइछे इतार दृढ़ जवाब देवार लागि आमे कौशल स्वाभिमान पदयात्रा बाहर करिछु। सरकार जेते दिन पर्यंत आमर दाबी के नाही सुनबे सेते दिन पर्यंत आमर आंदोलन जारी रहबा आ सरकार बाध्य अटन केन्द्र अनु जहाँ किसी आवास योजना आई 8,17,000 घर से भितर पश्चिम ओडिशा समान भाग हिसाब से सब जिला के बांटे बोलिए आशा रखुचु नचे भयंकर आंदोलन होगा तार संगे मरुड़ी जेन हो 66 ब्लक पश्चिम ओडिशा रे संपूर्ण मरुड़ी घोषणा कर एकर पिछा 20,000 टाँग चाषी को क्षयति देवा लगे दावी करुच्छे निश्चित रूपे चाषी को क्षतिपूरण देते रमेश बाबू आपण मैंने चाषी मानक बहुत थर आंदोलन कर आसे पदमपुर अंचल ए सब विभिन्न अंचल रही मरुड़ीग्रस्त रही किंतु सरकार मरुड़ी घोषणा करूना अब ये कौन दाबी करेंगे आपण जाणीछन आम मैंने कृषक संगठन आज जेन कुशल नूतन राज्य लगे जेन गोटे स्वर उठुचे ताकि आम समर्थन करुचु कारण भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पर जिते गुड़े सरकार आईन पश्चिम ओडिशा के अवहेला कर राजनीतिक हो अर्थनीतिक हो सामाजिक हो सब क्षेत्र में अवहेला आज युवक मैंने बाहरी कृषक मैंने विभिन्न समय आंदोलन कर पश्चिम ओडिशा विराट मरुड़ी पड़चे ओडिशा सरकार विधानसभा कहले अक्टोबर 30 तारीख सुधा मरुड़ी घोषणा करमु एवं कहते जानुरी 15 करमु ताहले कण कोड पंड लागू हेले जाकर करबे के तो जेन भाई मैंने प्रसंग के नहीं बाहरी आम मैंने समर्थन दौचु यहाँ बहुत बड़ गोटे बड़ विषमता टे यही लड़ाई आवा दिन में गोटे पश्चिम ओडिशा कौशल राज्य लगे गोटे स्वतंत्र राज्य गठन करवार लगे प्रेरणा देवा निश्चित रूपे कृषक मानक आंदोलन करुँचें कृषक संगठन सांगे अच्छा कौशल सेना सामिल होती आपण मैंने स्वागत कले को तो कौन कहे जो प्रसंग रही या कौन कह देख इटा एक्चुअली देखबार गले आमर हक हक अधिकार लगे लड़ाईटा जेनटा कि आमको नितान जरूरी हो गलान आमे एज जेन दुईटा पॉइंट देकर नुआपड़ बाहरी जन भाई मैंने आम बरगढ़ तरफ अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करूँ आउ जेन दुईटा पॉइंट है जेनटा कि इंदिरा आवास योजना जेन कि 8,17,000 देछन हेले गोटे लाइलुनिया कथाटे जे बरगढ़ जिला जीरो है माने आमरी 10 जिला जेने पश्चिमांचल कहूँ पश्चिम ओडिशा कहूँ केन्सी जिला के गोटे भी घर नहीं तार नोल गोटे लाइलुनिया कथ नैन तो आम दुईटा पॉइंट विशेषकर नहीं छूँ जेनटा कि चाषी मरुड़ी मरुड़ी डिक्लेरेसन करवार कथा नहीं करवार से इमिडियेटली कराऊ ना आगे भयावह गोटे आंदोलन रूप नवा आगे सरकार ही दायी हे निश्चित रूपे पश्चिम ओडिशा युवा मंच अच्छी ये सामिल होती कौन कहे जो आपण मैंने आज स्वागत करो दाबी गुड़िक रही है के समर्थन जनाऊँ आज सुमंत शतपथी पश्चिम ओडिशा युवा मंच एज एन केवाईसीसी रो भाई मैंने नुआपड़ सुंदरगढ़ पदयात्रा करें बरगढ़ माटी में पश्चिम ओडिशा युवा मंच बहुत दृढ़ समर्थन देकर स्वागत जनाऊे और जेन जुड़े दाबी के नहीं कर एज यही पदयात्रा आरंभ कर लगी पश्चिम ओडिशा सब बेले पश्चिम युवा मंच स्वागत जनाऊे और से लगे सब आगामी दिन के भी लड़े करवा लगे आम सब प्रस्तुत होकर अच्छू पहला कथा तो है जेनटा कि प्रधानमंत्री आवास योजना कथा सारा ओडिशा के 8,17,000 जितेबाला मिलीजे पश्चिम ओडिशा के सुन क्या है 10 जिले में क्या पश्चिम ओडिशा क्या गरीब अभाव नैन क्या पश्चिम ओडिशा एंता क्या लोक अच्छे सभी क्या बिल्डिंग घर बनई पार्बे क्या पश्चिम ओडिशा भी एंता अभाव अच्छे आदिवासी अंचल कलाहांडी
ଯେନ୍ଟାକି ଆଦିବାସୀ କେ ବି କେ ଏରିଆ କହୁଛୁ ସେନୁ ଆମେ ଜିରୋ ଯଦି ପାଇଛୁ ତାହେଲେ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଇତିର ଉପରେ ବହୁତ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନା ହେବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ଦେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।